हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे स्वागत है आपका देसी विदेसी पकवान। गाइस, आज हम बनाएंगे भिंडी करी। भिंडी करी बनाने के लिए, हाँ गाइस, भिंडी मसाला भी कहते हैं इसको, भिंडी मसाला, भिंडी करी कुछ भी कह सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने दिखी लिया है भिंडी, आप देख सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से धो के इसी शेप में काटा है, ऐसे भी काट सकते हैं आप, देख रहे हैं। देखिए शेप देख लीजिए आप, कोई भी शेप में आप काट सकते हैं। ये नया डिजाइन है, आप ऐसे भी काट सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है दिखने में। चलिए हम बनाते हैं भिंडी करी। इसके लिए मैंने लिया है भिंडी और उसके साथ ही लिया है प्याज, दो मीडियम साइज की मैंने प्याज ली थी। इसको बारीक काटा है और धो लिया अच्छे से। चलिए अब हम बनाते हैं। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले भिंडी को फ्राई कर लेंगे, थोड़े से तेल में करेंगे, बस ज्यादा तेल नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा जरा सा तेल डालेंगे। फ्रेंड्स देखिए, भिंडी को हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है, मैंने ऑयल बहुत कम यूज किया है और हल्का हल्का इसको बस फ्राई करना है। और हाँ, एक टिप मैं जरूर देना चाहूंगी आपको, भिंडी आप धोकर ही काटिएगा, यानी जब धोइएगा तो उसमें पानी निथर जाएगा तभी कट करिएगा, नहीं तो भिंडी में बहुत ज्यादा लसपन आ जाता है। गाइस देखिए, हमें भिंडी को तेज आंच पे फ्राई करना है और ज्यादा नहीं करना है, कम तेल में ही करना है, जिससे हल्का सा फ्लेवर आ जाए, हल्का सा कलर भी चेंज हो जाए, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और चलाते रहिएगा, नहीं तेज साइड पक जाएगी, देखिए साइड से फ्राई नहीं हो पाएगी अच्छे से। देखिए हल्का हल्का कलर चेंज होने लगा है, देख रहे हैं आप। देखिए अभी थोड़ा और पकाएंगे उसके बाद। देखिए हो गया है, हमारी भिंडी का कलर चेंज हो गया है। बदेशी बात का ध्यान दीजिएगा, जब कलर चेंज हो जाएगा हल्का हल्का तो उतार लीजिएगा, देख रहे हैं आप। देख लीजिए, अगर आप चाहें तो मीडियम आंच पे भी इसे फ्राई कर सकते हैं, अगर जल्दी है तो आप तेज आंच पे ही करिएगा, जल्दी हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। मीडियम पे ये रहेगा, थोड़ा धीरे धीरे पके का टाइम लगता है। चलिए इसको हम उतार लेंगे। देखिए मैं पतीली में बना रही हूँ, आप कोई बर्तन बना सकते हैं, कढ़ाई में ही बना सकते हैं, भगोने में बना सकते हैं। इसमें मैंने देखिए एक बड़ा चम्मच तेल लिया है, यानी एक कलछुल लिया है, आप एक बड़ा चम्मच तेल ले लीजिएगा अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग, इतना तेल बहुत है। हमारा तेल हो गया है, इसमें मैं आधा चम्मच जीरा डालूंगी, देख लीजिए आप, चम्मच देख लीजिए और जीरे की क्वांटिटी देख लीजिए। इसको हम डाल देंगे क्योंकि हमारा तेल हो गया है। देखिए हमारा जो जीरा है वो ब्राउन हो गया है, जलने ना लगे इसलिए इससे पहले हमें प्याज डालना है। देखिए हमारी प्याज मैंने डाल दी है और इस बात का ध्यान दीजिएगा, प्याज थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, आराम से डालिएगा, क्योंकि तेल गर्म होता है, छिटा पड़ने का डर रहता है। आप चाहें तो प्याज की ग्रेवी भी बना के डाल सकते हैं, प्याज को पीस के भी डाल सकते हैं, मैंने प्याज को बारीक काट के ही डाला है। देखिए हमारी प्याज तैयार हो रही है, तब तक हम मसाले ऐड कर लेते हैं। मैंने एक चम्मच धनिया पाउडर लिया है, देख रहे हैं आप, चम्मच देख लीजिए आप, मैंने इसी से लिया है, ज्यादा नहीं लेना है। हल्दी पाउडर एक चम्मच, भूकी लाल मिर्च पाउडर, भूका लाल मिर्च या लाल मिर्च पाउडर, आप जो भी कहते हैं इसे, लाल मिर्च पाउडर है ये एक चम्मच। गरम मसाला आधा चम्मच देख लीजिए आप, नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लेंगे, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, इसको अच्छे से पेस्ट बना लीजिएगा। देखिए पेस्ट बन गया है, अब इसे हम डालेंगे। चलिए फ्रेंड्स, प्याज को चलाते रहिएगा ना तो एक फेर से जलने लगेगी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारी प्याज आधी पक चुकी है, थोड़ा और पकाएंगे उसके बाद मसाले ऐड करेंगे। देखिए हमारी प्याज हो गई है, अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे फटाफट, नहीं तो प्याज जलने लगेगी। देखिए मसाला डाल देंगे और आज जीरा कर देंगे, इसको धो के अच्छे से डाल दीजिएगा पानी, और आज जीरा रखिएगा, जब भी आप मसाले डालिएगा आज जीरे रखिएगा, नहीं तो मसाला जलने लगता है। देखिए मैंने आज अपनी तेज कर दी है क्योंकि मसाले में डाल लिया है, मसाले डालते वक्त आज जीरे रखिएगा, नहीं तो प्याज जलने लगती है। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा देर पकाने के बाद, एक मिनट तकरीबन पकाएंगे, उसके बाद ऐड करेंगे इसमें दही। गाइस देखिए इसी वक्त हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, सॉरी फ्रेंड्स मैं बताना भूल गई थी, जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसी वक्त ऐड करने के बाद इसे हम पकाएंगे एक से डेढ़ मिनट, क्योंकि जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है अदरक लहसुन का वो अच्छे से पक जाना चाहिए, उसके बाद ऐड करेंगे दही। देखिए मैंने डेढ़ मिनट तक इसको पकाया है और तेज आंच पे ही पकाया है, बस चलाते रहिएगा ना, उन्हें तो लगने लगता है, देखिए नीचे से लगने लगेगा मसाला। चलिए इसमें हम ऐड करेंगे दही, देख रहे हैं आप, दही ये घर की दही है, मैंने इसको जमाया है, अब इसको हम डाल देंगे। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, अगर खट्टी होती है तो कम लीजिएगा, मेरी दही ज्यादा खट्टी नहीं है, घर की दही है, इसलिए मैंने आधा कटोरे से थोड़ा ज्यादा लिया है।
इसको चला लेंगे फटाफट। आज धीरे रखिएगा इस वक्त भी। गाइस मैंने दही को मटके में ही जमाया था, देखिए इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उससे जमाने से। देखिए अब इसी में हम ऐड कर देंगे तुरंत ही भिंडी, क्योंकि दही और हमारी भिंडी साथ में ही थोड़ा पक गया तो अच्छी फ्लेवर आता है। देखिए मैंने दही के बर्तन को धो के थोड़ा सा पानी ऐड किया है थोड़ा सा, और इसको हम 2 मिनट तक तेज आंच पे पकाएंगे ढक करके। 2 मिनट पकाना है बस तेज आंच, उसके बाद फिर खोल के पानी और ऐड करेंगे। देखिए 2 मिनट बाद इसको हम देखेंगे। देखिए मसाले हमारे सारे अच्छे से भुना गए हैं, सारे मसाले अच्छे से भींग गए हैं भिंडी में। अगर हल्का हल्का ये लगता भी है तो गैस घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये छूट जाएगा, क्योंकि पानी ऐड करेंगे तो हमारे मसाले कभी भी नीचे हल्के से लग भी जाते हैं तो छूट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, देखिए कितना अच्छा तेल छोड़ रहा है, देखें आप बहुत अच्छे से मसाले भींगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। देखिए जिसमें मैंने मसाला लिया था उसमें 1 कटोरा पानी लिया है पूरा, देख लीजिए आप कटोरा पानी। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अगर आपको और चाहिए होगा थोड़ा और रख लीजिएगा। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब इस वक्त नमक चेक करेंगे। देखिए इसमें हम एक मैंने मिर्च ली है, उसको 3 हिस्से में डिवाइड किया है, 3 भागों में, अब इसको हम डाल देंगे। और गाइस इस बात का ध्यान दीजिएगा, मैंने इसी कटोरे से भर के पानी लिया था, ठीक है, थोड़ा खाली था मेरा इसलिए बाद में मैंने थोड़ा और ऐड किया है क्योंकि भरा नहीं था, इसी कटोरे से लिया है मैंने। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसको 6 से 7 मिनट तक धीमी आंच पे पकाएंगे। देखिए टाइम हो गया है 6-7 मिनट तक, मैंने इसको 7 मिनट तक पूरा पकाया है धीरे आंच पे। अब इसको हम क्या करेंगे, चूल्हे को ऑफ कर देंगे और इसको हम सर्व करेंगे। देखिए अगर फ्रेंड्स आपकी भिंडी थोड़ी कड़ी है या फिर बड़े साइज में आपने काटा है तो आप 2-3 मिनट और ऐड कर सकते हैं उसमें, क्योंकि कभी कभी भिंडी नहीं गलती है। हम इसे चेक करेंगे एक बार पहले। देखिए इसको हम क्या करेंगे, ऐसे चेक करेंगे, देखिए हमारी भिंडी जो है वो गल गई है, देख रहे हैं आप, ऐसे पता कर लीजिएगा आप भी अच्छे से, आसानी रहती है इसमें। फ्रेंड्स देखिए मैंने इसको कटोरे बाउल में सर्व किया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छी बहुत इजी रेसिपी है, आप बहुत जल्दी बना सकते हैं, बहुत इजी बना सकते हैं। गाइस बनाइए खाइए और बताइए कैसी बनी है, लाइक करें वीडियोस को, सब्सक्राइब जरूर जरूर से करिए गाइस। और हाँ गाइस मेरे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।